वेलकम टू 75 हार्ड डे ट्रेडिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आज मैंने क्या ट्रेड किया उनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट का एनालिसिस क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी और कल किस तरीके का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं उन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज मुझे क्या हुआ है। आज अगर आप देखोगे, मैं होम स्क्रीन पर जाता हूँ एक बार एंड पोर्टफोलियो, देन यहाँ पर पोजीशंस देखोगे तो आज आज मुझे जो लॉस हुआ है वो दिख रहा है 3588 रुपए का लॉस ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है। एंड आज के दिन में आप ऑर्डर भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मेरे आज हुए हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑर्डर्स, 75 ऑर्डर्स देख सकते हो। तो इसमें थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, इसमें थोड़ी बहुत हुई है ओवर ट्रेडिंग एंड थोड़ा बहुत जो हमने एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी यूज़ की थी तो उसमें मल्टीपल टाइम आपको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट भी करने पड़े, उसकी वजह से आपको यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं 75, ठीक है। जनरली मैं इतना करता नहीं हूँ बट मैंने काफ़ी टाइम हो गया नॉन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो एक ट्रेड हो जाए एंड डेफिनेटली वो भी हमारा गलत चला गया। अभी तक मैंने जितने भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड किए 75 हार्ड डे ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर, लगभग हमारे सारे ही नॉन डायरेक्शनल ट्रेड गलत गए हैं, एंड इसकी वजह से हमको जो है बार बार जो अपन प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट हमेशा इसी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने में हमेशा हमारा चला जा रहा है, ठीक है। अभी हम बात करें, पिछले कल भी हमको थोड़ा बहुत लॉस हुआ था एंड आज जो लॉस हुआ थोड़ा सा ज़्यादा है एक्सपेक्टेड, लगभग 2% के लगभग दो लगभग 3% के आसपास ऑन कैपिटल अपना ये एसएल गया है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा मैं आपको मार्केट में लेके चलता हूँ, हुआ क्या है मार्केट में थोड़ा सा वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो, कल जो मैंने आपको एनालिसिस वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे की तरफ कर सकता है, एंड मैंने नीचे में सपोर्ट भी बताया था कि 20,000 के लेवल से मार्केट जो है बाउंस कर सकता है। डेफिनेटली मार्केट ने बाउंस किया है एंड मैंने खुद ने भी ये ट्रेड किया था, ऐसा नहीं है कि बाउंस किया और मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने खुद ने भी बाई साइड में ट्रेड किया। बट होता क्या, मार्केट जब ऊपर जाता है और हम बड़े ट्रेड के लिए बैठते हैं और जब इतना एक ही कैंडल में बड़ा प्रॉफिट होने के बाद जब दोबारा नीचे आ जाता है मार्केट ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया, और मैं आपको पता है कि मैं इन द मनी में जाके ट्रेड करता हूँ, और आज हमारी सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि एक तो हमने बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी लिया और आज ऊपर से थी एक्सपायरी के दिन 150 का प्रीमियम, मतलब मार्केट मूव नहीं करेगा उससे पहले आपका प्रीमियम में बहुत ज़्यादा स्पाइक आती है और उसमें आपके बहुत ज़्यादा एसएल चले जाते हैं। तो आज मेरे मल्टीपल एसएल गए हैं मार्केट के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ इन द मनी होने की वजह से, तो ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम करती है। और अचानक से आप देखोगे आज के दिन में तो हमारी जो विक्स है वो भी देख सकते हो 13 के ऊपर निकल गई थी विक्स, तो ये भी हमारे लिए एक अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मार्केट, ही अचानक से विक्स बढ़ रही है तो बार बार प्रीमियम के अंदर स्पाइक्स आ रहे थे तो मल्टीपल एसएल हमारे हिट हो रहे थे, और उसके अलावा हमने एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी उसकी वजह से हमको ये लॉस हुआ है। बाकी नॉर्मल ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो रहा था अच्छा खासा, मैं एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट में आ सकते थे, आए थे प्रॉफिट में, बट उसके बाद एक मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड किया और उसकी वजह से लॉस हुआ, ठीक है। अभी हम बात करें यहाँ पर हुआ क्या मार्केट में, देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहा और एंड ऑफ द डे फिर से डे के हाई के पास ही क्लोज किया। तो अब हम इसको कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। अभी तक के जो सारे 75 हार्ड डे ट्रेडिंग चैलेंज के जितने भी वीडियोस हैं 26 वीडियोस, ये सारे इंस्टाग्राम पे अपलोडेड हैं तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हो, और ये आज का वीडियो भी वहाँ पर भी अपलोड होगा। ये जस्ट अब मैं यूट्यूब पर भी इसको अपलोड करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको ट्रेड्स एक्सप्लेन करूँगा एवरीडे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिलता रहेगा, तो इसे आप रेगुलर फॉलो कीजिएगा, जो चीज़ें मैं बताता हूँ लगभग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं मार्केट को कल किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, पहले हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। देखो आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है और यहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ पर बनाता हुआ मार्केट दिख रहा है 44,300 के आसपास, जो कि मैंने आपको कल बताया भी था ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको दिख रहा है। बट इस टाइप का मार्केट जो बनता है यहाँ पर, ये जो मार्केट बनता है बीच वाला, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। अभी हम बात करें कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट ये फिर से 300 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करता है तब जाके गिरावट होगी, अदरवाइज मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है तो थोड़ा बहुत कल के दिन में भी इसी तरीके से वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ऊपर जाएगा, इस तरीके से थोड़ा साइडवेज टू वॉलेटाइल इस रेंज के बीच में रह सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा या फिर थोड़ा सा ट्रेड को कम कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में अक्सर हमारे बार बार स्टॉप लॉस जाते हैं, मल्टीपल स्टॉप लॉस जाते हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजी हमको बहुत ज़्यादा इशू आता है, ठीक है। अभी हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं, अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस करता है 44,250 का लेवल डे का लो, तो इसके नीचे हम एक शार्प सेलिंग आ सकते हैं। अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 300 के आसपास,
डायरेक्टली क्रॉस करता है तो इसके ब्रेकडाउन पर आप सेल के लिए प्लान कर सकते हो। नीचे में 44,100 टारगेट, नीचे में नेक्स्ट टारगेट 44,960 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। ऊपर में बात करूँ थोड़ा सा बाइंग साइड में आपको दिक्कत करेगा, मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन वो थोड़ा सा परेशान करता हुआ जाएगा, तो बाइंग साइड में थोड़ा सा साइडवेज टू वॉलेटाइल टू बुलिश हो सकता है मार्केट, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ का ही ओपन होने के बाद डायरेक्टली 500 के ऊपर सॉरी 600 के ऊपर निकलता है या 500 का लेवल ये सस्टेन कर रहा है मार्केट, देन इसके ऊपर फिर थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। डे का हाई पहला टारगेट और ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से सडन मोमेंटम डे के हाई के ऊपर निकलने वाला है, ठीक है। यानी कि आज का जो डे हाई है ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ये लेवल जब क्रॉस करेगा डायरेक्टली 45,000 का टारगेट आपको मिलने वाला है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है किस तरीके से बैंक निफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए फिन निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। सेम फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो हमको सेम चीज़ देखने को मिली है, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा, पहले नीचे आया फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हुए फिर से डे के हाई के ऊपर निकल गया आज के दिन में, ठीक है। तो सिंपली अगर मार्केट जो है यहाँ पर या तो ये लेवल क्रॉस करे तब सेल करें या फिर मेजरली तो ये डे का लो क्रॉस करेगा तभी सेल होगा, अदरवाइज ये जो पूरी रेंज आपकी रहने वाली है ये वाली मेजर रेंज है थोड़े सा वॉलेटाइल टू साइडवेज मार्केट की ये पूरी रेंज होने वाली है। अब यहाँ पर अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है तो वो कुछ दिनों के लिए कुछ टाइम के लिए टाइम पास यहाँ पर कर सकता है, तो बीच में आपको ज़्यादा डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर मार्केट बाई चांस यहाँ का ही ओपन होने के बाद डायरेक्टली डे का लो सॉरी डे का हाई अगर ब्रेक करके निकलता है 20,100 का लेवल तो इसके ऊपर की तरफ थोड़ा मोमेंटम आ सकता है, फिर ऊपर में नेक्स्ट टारगेट रहेगा 20,150 एंड 20,200 के आसपास नेक्स्ट टारगेट ऊपर में रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अदरवाइज यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके नीचे, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी को आप कल किस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो मार्केट देखोगे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा निफ्टी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मुझे अच्छे देखने को मिला है। आप भी देखोगे एक एक कैंडल यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट की 70 पॉइंट की इस तरीके की बड़ी कैंडल बनी है एक एक सिंगल कैंडल, तो उसको ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी हम बात करूँ यहाँ से अगर ये लेवल निकालता है 20,050 के लेवल के नीचे या फिर ये डे का लो अगर ये जब ब्रेक करेगा नीचे निकलेगा तभी मार्केट गिरेगा, अदरवाइज वो गिरने नहीं वाला है। मार्केट आपको सिर्फ टाइम पास करके वो या फिर इस रेंज के बीच में घूम घूम कर आपको परेशान करने वाला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ का ही ओपन होता है क्योंकि डे के हाई के आसपास मार्केट ने क्रॉस किया है एंड ऑफ द डे, तो यहाँ से अगर क्रॉस करके फिर से निकल जाता है ऊपर की तरफ तो इसके ब्रेकआउट पर हम डे के हाई के ऊपर ब्रेकआउट पर बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। सिंपली इस तरीके से ये कंटिन्यू करता है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में जा चुका है, तो जनरली वो कोशिश मार्केट जितना जल्दी हो सके कोशिश करेगा 20,030 का लेवल या 20,025 का लेवल टच करने की, ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया है 20,200 के ऊपर ये लेवल टच करने के लिए मार्केट जो है थोड़ा सा कोशिश करने वाला है। तो हो सकता है कल के दिन में इस तरीके से कंटिन्यू अगर करता है तो 20,200 एंड 20,225 का नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, और ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो फिर उसके ऊपर बड़ा टारगेट हम प्लान फिर उसके बाद में करेंगे, ठीक है। सेलिंग के लिए बता चुका हूँ, इसके नीचे निकलेगा तभी सेल के लिए आएगा, अदरवाइज मार्केट क्या होगा यहाँ से देखो जिस तरीके आज ये कैंडल बनाई इस तरीके से हाई लेवल से कैंडल बनाएगा रेड, फिर उसके बाद वो साइडवाइज वॉलेटाइल इस तरीके से हो जाएगा जो कि आज हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को आप ट्रेड करोगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।